ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 सितंबर शनिवार के राशि फल के बारे में कि यह दिन मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बना सकें। दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए शनिवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी अनुकूल रहने वाली है। आर्थिक लाभ के लिए आज आपको अच्छे मौके प्राप्त हो सकते हैं। व्यवसाय से संबंधित या फिर बाहर के कंपनियों से संबंधित कार्यों में आज आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने की भी संभावना पाई जाती है। दोस्तों आज बाहर से कामकाज को लेकर भी आपके लिए कुछ यात्राएं हो सकती हैं जो आपके लिए अवश्य ही लाभदायक साबित होंगी। दोस्तों साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको आज अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को भी अच्छा लाभ आज प्राप्त होगा। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और वरिष्ठ तथा गणमान्य लोगों द्वारा आपको अवश्य ही आज प्रशंसा प्राप्त होगी। कामकाज के क्षेत्र में भी आज कुछ वृद्धिकरण किया जा सकता है जो आपके लिए अवश्य ही अच्छा साबित होगा। दोस्तों पूरे परिवार में आज सभी लोग काफी जोश में दिखेंगे। घर परिवार में आज हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। इस दौरान आप किसी प्रॉपर्टी के बारे में भी गहराई से विचार करेंगे और संभवतः आज आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। दोस्तों धन्यधान अचल संपत्ति प्राप्ति के लिहाज से आज के दिन का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। जय दोस्तों आज के दिन का समय आपके लिए मौज मस्ती और आनंद से भरा हुआ रहेगा क्योंकि आप जिंदगी पूरी तरह से जिएंगे। जय दोस्तों आपका मनोबल और पूरी तरह से आपका अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण भाव आपके लिए आज नई उपलब्धियां प्रदान करेगा। जय दोस्तों आपकी थोड़ी सी भी मेहनत का आज आपको भरपूर फल प्राप्त होगा जिससे आपको काफी खुशी का अनुभव होगा। जय दोस्तों इसलिए आज आप समय का सदुपयोग करें क्योंकि आज आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है जिससे आपको काफी खुशी का अनुभव होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों परिवार का माहौल आज खराब होने की संभावना पाई जाती है, इसलिए पारिवारिक स्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए एक दूसरे का परस्पर संबंध होना बहुत जरूरी होता है। आप साहसी तथा पराक्रमी व्यक्ति होने के साथ साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं, इसलिए आप अपने घर परिवार के प्रति अच्छी भावनाएं रखते हुए एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करें। या दोस्तों साथ ही साथ आपको अपने कार्य स्थल को लेकर भी आज कुछ असंतुष्टि का भाव रह सकता है क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको लगेगा कि आपको उतना परिणाम नहीं मिल रहा, इसी कारण आप कुछ हद तक स्वयं को बना हुआ महसूस कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ गलत लोगों के संपर्क में तथा गलत संगति से दूर रहने का आज आप प्रयास करें, अन्यथा किसी तरह की आर्थिक समस्याओं का आज आपको सामना करना पड़ सकता है। मानसिक अशांति के साथ साथ कार्य व्यवसाय में भी आज व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। मन में घबराहट तथा परेशानियों से
कार्य योजनाओं में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, अतः सावधानी रखना आपके लिए अनिवार्य है। दोस्तों साथ ही साथ आपका शक्की स्वभाव आपके लिए आज कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। बच्चों पर ज्यादा अनुशासन रखना उनके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है, इसलिए अपने स्वभाव में आज आप थोड़ा लचीलापन लाएं। पिता का सम्मान करें, कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों साथ ही साथ आज आप जल्दबाजी में कोई भी निवेश ना करें। अगर आप सभी मुमकिन कोणों को परखेंगे नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों आज अचानक यात्राओं के कारण आप आपाधापी और तनाव का शिकार हो सकते हैं। उधार मांगने वाले लोगों को नजरअंदाज करें। मतभेदों की एक लंबी श्रृंखला के पनपने के कारण आपको सामंजस्य बैठाने में मुश्किल आज आ सकती है, थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। दोस्तों अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। या दोस्तों प्रेम के मामलों के लिए आज का समय बहुत ही अति उत्तम रहेगा। या दोस्तों विवादों से आप दूर रहें, किसी के कहने पर कोई कार्य आप ना करें। आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा, अतः अपने आप पर भरोसा रखते हुए अपने प्रेमी प्रेमिका पर आप भरोसा रखें तथा एक दूसरे से प्यार में संलग्न रहें, क्योंकि आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। इस दिन का आपको अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय करियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों अपनी योजनाओं को आप किसी के सामने ज्यादा जाहिर ना करें। आपकी गुप्त योजनाएं आपके काम में ज्यादा फायदे देंगी। या दोस्तों इस समय कहीं से आज आपको अचानक लाभ मिलने की भी उम्मीद है। दोस्तों बस आपको अपने निर्णय को ही मान्यता दें। पब्लिक डीलिंग के कार्यों में आज आपको अवश्य ही फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों व्यवसायिक क्षेत्र में धन लाभ की आज स्थिति रहेगी। कार्य आज आपके लिए सभी आसानी से सफल होंगे। कारोबार विस्तार की आज आप योजनाएं बना सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर काफी लाभदायक साबित होंगी। दोस्तों साथ ही साथ आपको पैसे के लेने देन में भी थोड़ी सावधानी रखनी होगी। प्रॉपर्टी में निवेश आज आप कर सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर अवश्य ही लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही साथ नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। नौकरी से संबंधित कोई अच्छी बड़ी खुशखबरी आज इनको अवश्य ही प्राप्त हो सकती है, जिससे इनका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज आपका स्वास्थ्य समृद्ध बना हुआ रहेगा, लेकिन शुभाशुभ ग्रहों की स्थिति के कारण आज आपको सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही तरह के परिणाम देखने को मिलने वाले रहेंगे। जी दोस्तों शारीरिक से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य पर आज आपको अधिक जोर देने की जरूरत है। आपको अपने क्रोध पर आज नियंत्रण रखना होगा। साथ ही साथ दोस्तों अपने खानपान पर भी आज आप अधिक ध्यान दें, क्योंकि आज आपको पेट से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेष उपाय क्या है। दोस्तों आज आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पीपल के वृक्ष में सूत के साथ धागे लपेटकर 7 बार परिक्रमा करें और फिर पीपल के वृक्ष की पूजा करें और साथ ही साथ ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार बहुत ही सच्चे मन से श्रद्धा भाव से जाप करें। या दोस्तों ऐसा करने से भगवान शनिदेव बहुत जल्द प्रसन्न होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे। जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्त परेशानियों का अंत करेंगे और आपको जल्द ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपके समस्त कार्य भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से बहुत ही आसानी से बनते चले जाएंगे। दोस्तों भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।